Hello friends, today we will discuss the concept of sampling, definitions, key terms such as populations, parameters, sampling, statistics, difference between population and statistics, characteristics of a good sample, advantages of sampling and sampling, difference between probability sampling and non-probability sampling. Let's start. Sampling. Sampling is a part of the population is known as sample. The method consisting of selecting for study a portion of the universe with a view to draw conclusions about the universe or population is known as sampling. A sample is a group of people, objects or items taken from a larger population as a representative of the population. हमें रिसर्च में जैसे भी मान लो किसी पॉपुलेशन की स्टडी करनी होती है तो हम पूरी पॉपुलेशन की तो स्टडी कर नहीं सकते, तो हम उसका एक पार्ट लेते हैं पॉपुलेशन का, उसको हम जो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग। कुछ डेफिनेशंस जो दी गई हैं इंपॉर्टेंट सैम्पलिंग की वो इस प्रकार हैं। अकॉर्डिंग टू W.G. Cochran, he defined sampling as in every branch of science we lack the resources to study more than a fragment of the phenomena that might advance our knowledge. In this definition, a fragment is the sample and the phenomena is the population. The sample observation is applied to the phenomena that is generalization. जैसा कि इस डेफिनेशन में बताया गया है कि हम जो लैक ऑफ रिसोर्सेस, कॉस्ट और टाइम एनर्जी की वजह से पूरी पॉपुलेशन की स्टडी नहीं कर सकते तो हम एक फ्रैगमेंट ले लेते हैं। तो ये जो डेफिनेशन में फ्रैगमेंट बताया गया है उसे हम कहते हैं सैंपल एंड द फिनोमेना इज द पॉपुलेशन, और इस पर जो हम स्टडी करके निकालते हैं वो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है पॉपुलेशन का, जो सैंपल है इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, और उसको ही हम जनरलाइज कर सकते हैं। जो फाइंडिंग्स निकल के आएंगी सैंपल जो हमने लिया है रिसर्च करने के बाद। डेविड एफ फॉक्स, इन्होंने डिफाइन किया था, ही डिफाइंड सैम्पलिंग इज एज in the social science it is not possible to collect data from every respondent relevant to our study but only from some fractional part of the respondents. जैसा कि इस डेफिनेशन में बताया गया कि ये पॉसिबल नहीं होता सोशल साइंसेज में कि हम हर एक रिस्पोंडेंट से डाटा कलेक्ट कर सकें, तो हम क्या करते हैं कुछ फ्रैक्शनल पार्ट ले लेते हैं रिस्पोंडेंट्स का। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड सैम्पलिंग, इसी को हम सैम्पलिंग कहते हैं। आई थिंक जैसे यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे आप मान के चलो ये पॉपुलेशन है, सपोज दिस इज ए पॉपुलेशन, अब इसमें से जो है ये सब पॉपुलेशन है, अब हमें लेना है सैंपल। हमने यहाँ से ले लिया तो सैंपल क्या है, एक पॉपुलेशन का पार्ट, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि कॉस्ट, टाइम और एनर्जी की हम सारी पॉपुलेशन की स्टडी तो नहीं कर सकते। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। In the physical sciences, there is no problem of sampling because any fragment or piece of phenomena is the true representative and therefore the generalization of the sample is true. Physical sciences में sampling की problem नहीं हो सकती क्योंकि जो भी fragment या piece of phenomena हम ले रहे हैं population का वो true representative होता है population का and therefore the generalization of the sample is true. But in behavioral and social sciences, इट इज़ ए क्रूशियल प्रॉब्लम टू हैव ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, पर बिहेवियरल या सोशल साइंसेज में रिप्रेजेंटेटिव सैंपल की एक क्रूशियल प्रॉब्लम होती है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड सम की टर्म्स सच एज पॉपुलेशन, सैंपल, स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन और यूनिवर्स, इट मीन्स द एंटायर मास ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच इज़ द पेरेंट ग्रुप फ्रॉम विच ए सैंपल इज टू बी फॉर्म्ड। इसको पेरेंट ग्रुप कह सकते हैं या कि यूनिवर्स या एंटायर मास ऑफ ऑब्जर्वेशंस जिसमें से हम सैंपल लेंगे। सैंपल इज ए पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज द सैंपल, पॉपुलेशन के पार्ट को बोलते हैं सैंपल। स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक इज ए डिस्क्रिप्टिव मेजर कंप्यूटेड फ्रॉम ए सैंपल ऑफ डाटा। और पैरामीटर, ए पैरामीटर इज ए डिस्क्रिप्टिव मेजर ऑफ ए कंप्यूटेड फ्रॉम एन एंटायर पॉपुलेशन ऑफ डाटा। तो यहाँ आपको याद करना है जैसे पॉपुलेशन से होता है पैरामीटर, जैसे कि हम कह सकते हैं पॉपुलेशन से पैरामीटर, यहाँ आपको लेटर याद रखना है पी, रिमेंबर दिस इज द लेटर पी, दिस इज एस, एंड सैंपल से होता है स्टैटिस्टिक। नाउ पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग, द सैम्पलिंग इज द फंडामेंटल टू ऑल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स and statistical analysis. The measures of a sample are known as statistics. Mean, standard deviation and coefficient of correlation of sample observations are known as statistics, and the measures of a population are known as parameters. Mean, standard deviation and the coefficient of correlation of a population are called parameters. Generally, parameters are estimated on the basis of sample statistics. The accuracy of sample depends on the sample representativeness or statistics. In research book, generalization is made by estimating parameters on the basis of sample statistics. अब इस डायग्राम में जैसा कि आप देख रहे हैं, सैंपल पॉपुलेशन का पार्ट है और जो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है उसका, और उससे जो हम रिसर्च करके फाइंडिंग्स आती हैं उसको वी कैन जनरलाइज इट, एंड द सैंपल से स्टैटिस्टिक्स है एंड पॉपुलेशन इज लीड्स टू पैरामीटर. A part of population is the sample, and statistics is a descriptive measure computed from a sample, and parameters descriptive measure computed from an entire population, as you can see from the diagram. Now we will see the difference between population and statistic. First of all, population, the measurable characteristic of the population like the mean or standard deviation is known as parameter, and the measurable characteristics of the sample is called statistic. जैसे कि बताया था, sample से आपको याद करना है statistic and population से आपको याद रखना है parameter. Population data, it is a whole and complete set. Sample is a subset of the population that is derived using sampling. Population data क्या है? Whole and complete set है, whereas sample is a subset of the population that is derived using sampling. And the parameter of the population is a numerical or measurable element that defines the system of the set, whereas the statistic is the descriptive component of the sample. जो descriptive component है sample का वो है statistics. It is found by using sample mean or sample proportion, whereas the descriptive component of the population is the parameter. Parameter is a value, usually a numerical value, that describes a population. पॉपुलेशन को जो डिस्क्राइब करेगा वो है पैरामीटर, और स्टैटिस्टिक्स जो सैंपल को डिस्क्राइब करेगा वो है स्टैटिस्टिक. स्टैटिस्टिक इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, यूजली इट इज अ वैल्यू दैट इज यूजली न्यूमेरिकल वैल्यू दैट डिस्क्राइब्स अ सैंपल. एंड पॉपुलेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम मेजरमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन, वेयर सैंपल इज डिराइव्ड फ्रॉम मेजरमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द सैंपल. Statistic is derived from the measurements of individuals in the sample, whereas population is derived from measurements of individuals in the population. Parameter, for example, जैसे कि हम population की बात करें, 53% of the entire population of US is female, and suppose example की बात करें statistics में, based on a sample from the US population, it was determined that 40% considered themselves overweight. अब ये हमें डिफरेंस क्लियर हो गया होगा पॉपुलेशन और स्टैटिस्टिक्स का. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सैंपल? रिप्रेजेंटेटिवनेस फर्स्ट. ए सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन. सैंपल जो है कि पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए. एक्यूरेसी, इट इज डिफाइंड एज द डिग्री टू विच बायस इज एब्सेंट फ्रॉम द सैंपल. सैंपल में बायसनेस नहीं होनी चाहिए. एन एक्यूरेट सैंपल इज द वन विच एग्जैक्टली रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन. वो जो है पॉपुलेशन का टू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए. प्रेसिजन, द सैंपल मस्ट यील्ड प्रिसाइज एस्टिमेट. प्रेसिजन इज मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड एरर. साइज, ए गुड सैंपल मस्ट बी एडिक्वेट इन साइज इन ऑर्डर टू बी रिलायबल. उसका साइज एडिक्वेट होना चाहिए इन ऑर्डर टू बी रिलायबल. नाउ एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग. सैम्पलिंग की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? फर्स्ट, साइज ऑफ द पॉपुलेशन. If the population to be studied is quite large, sampling is warranted. However, the size is a relative matter. Whether a population is large or small depends upon the nature of the study, the purpose for which it is undertaken, and the time and other resources available for it. ये population large या small है depend करेगा ये nature study का क्या है, क्या purpose study का है, कितना हमारे पास time है और क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. सेकंड इज अमाउंट ऑफ फंड्स बजटेड फॉर द स्टडी. The decision regarding sampling depends on the target, on the budget of study. Sampling is opted when amount of money budgeted is smaller than the anticipated cost or census survey. Sampling helps in cost saving, cost को save करता है. Third is facilities. The extent of facilities available such as staff, computer literacy and accessibility to population elements is another factor to be considered in deciding sampling. हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कितना स्टाफ है, कितने कंप्यूटर्स हैं, कितनी हमारी एक्सेसिबिलिटी है टू पॉपुलेशन एलिमेंट्स को. दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. फोर्थ इज टाइम. टाइम लिमिट इज विद इन द स्टडी शुड बी कंप्लीटेड इज अनदर फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन डिसाइडिंग सैम्पलिंग. इट हेल्प्स इन टाइम्स को सेव करता है सैम्पलिंग. इट रिड्यूसेज द चांसेज ऑफ एरर. सैम्पलिंग चांसेज ऑफ एरर्स को रिड्यूस करता है. एक्यूरेसी इट इज डिफाइंड एज द डिग्री टू विच बायस इज एब्सेंट फ्रॉम द सैम्पल. एक एक्यूरेट सैंपल में वो होता है जो कि एग्जैक्ट रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन को. एन एक्यूरेट सैंपल इज द वन विच एग्जैक्टली रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन. नेक्स्ट इज प्रिसीजन. द सैंपल मस्ट यील्ड प्रिसाइज एस्टिमेट. प्रिसीजन को हम मेजर करते हैं स्टैंडर्ड एरर से. एंड नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी. रिलायबल. ए गुड सैंपल मस्ट बी एडिक्वेट इन साइज in order to be reliable. So these are the advantages of sampling. I hope ये आपको clear हो गया होगा कि sampling के concept क्या है, इसकी definitions क्या हैं, key terms क्या हैं, sample, statistics, population, parameter, difference between population and statistic, characteristics of a sample and advantages of sampling. I think this session must be clear, useful to all of you. Thank you. अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की. नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इट इज ऑल्सो नोन एज रैंडम सैम्पलिंग. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थ्योरी जो प्रोबेबिलिटी की उस पर आधारित होता है और इसको रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं. वेयर इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. इट इज नॉट बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी. इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन रैंडम सैम्पलिंग. ये प्रोबेबिलिटी की थ्योरी पर आधारित नहीं होता और इसको नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं. इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन द सैंपल. यहाँ पर हर जो पॉपुलेशन का एलिमेंट है उसको बराबर चांस मिलता है सैंपल में सेलेक्ट होने के लिए. वेयर इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नॉट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन द सैंपल एंड दिस सैम्पलिंग डज नॉट प्रोवाइड अ चांस ऑफ सिलेक्शन टू ईच पॉपुलेशन एलिमेंट्स. इसमें क्या है, हर पॉपुलेशन एलिमेंट को सेलेक्ट होने का चांस नहीं मिलता है. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देयर इज नो बायसनेस. यहाँ पर कोई बायसनेस नहीं होती. वेयरस इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बायसनेस इज देयर. यहाँ पर बायसनेस होती है. कॉस्ट एंड टाइम रिक्वायर्ड आर हाई इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. यहाँ पर कॉस्ट और टाइम ज़्यादा लगता है. वेयरस इन केस ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इट इन्वॉल्व सिंप्लिसिटी, कन्वीनियंस एंड लो कॉस्ट. And probability sampling is used in quantitative research, whereas non-probability sampling is used in qualitative research. अब ये चार तरह की होती है probability sampling. इसको हम एक फॉर्मूला हमने लिखा है, इससे आप याद कर सकते हैं, SSSC. You can remember this formula as SSSC, whereas S stands for simple random sampling. Second is stratified random sampling, which is further of two types, proportionate stratified random sampling and disproportionate stratified random sampling. Third S is systematic random sampling and fourth C is cluster random sampling and it is further of two types, area sampling and multi-stage cluster sampling. So you can remember this formula for probability sampling is SSSC, where first S is simple random sampling, second S is stratified random sampling, third S is systematic random sampling and fourth C is cluster random sampling. अब हम बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की. इट इज ऑल्सो फोर टाइप्स. फॉर्मूला टू रिमेंबर इज ACPJSQ. A stands for accidental sampling and C stands for convenience sampling, P stands for purposive, J stands for judgment sampling, S stands for snowball sampling and Q stands for quota or dimensional sampling. ये भी चार तरह का है, एक्सीडेंट और कन्वीनियंस सैम्पलिंग, पर्पसिव और जजमेंट सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड कोटा और डायमेंशनल सैम्पलिंग. फॉर्मूला यू कैन यूज टू रिमेंबर इज ACPJSQ. So these are the differences between probability sampling and non-probability sampling. I think ये आपको समझ में आ गया होगा. Subscribe the channel Ajutrame.